ऑब्जेक्टिव करने ज़्यादा इजी लगते हैं मेरे को एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव, फटाफट फटा आंसर आते हैं, ठीक है। अनऑब्जेक्टिव ही अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव पर ही आएगा ज़्यादा, और सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं है इस साल, पर जो आएगा ऑब्जेक्टिव, एससीईआरटी में तो है नहीं ना ये, तो ये कॉम्पिटिशन में आना है। चलो इन एनी केस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट, फर्स्ट में डाउट है आपको, क्वेश्चन में गिवन है ये, आपको गिवन है वी प्लस माइनस डेल्टा वी, और ये क्या गिवन है आई प्लस माइनस डेल्टा आई, क्या निकालना है रेजिस्टेंस, हमने किया था ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वी बाई आई, हमें दो बार करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, तो वी की वैल्यू कितनी है 20, आई की करेक्ट वैल्यू कितनी है 2.5, डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 8, अगर 8 आएगा तो यार इनको देखो ही मत ना, आंसर इन दोनों में से है। फिर आपको डेल्टा आर निकालना है, तो डेल्टा आर बाई आर इज डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ये क्लियर है यहां तक, तो निकाल लेना डेल्टा आर, पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, हाँ थ्री कर देते हैं, थ्री कितनों का हुआ वैसे, नहीं हुआ ठीक है। देखो थ्री में ना एक छोटा सा ट्रिक है, उसको ध्यान से समझ लो, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार ध्यान से देखें थ्री का क्वेश्चन है कि जो डायमीटर है एक्सटर्नल ऑफ अ सिलेंडर, देखो ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये रहा ये रहा, ये ना थोड़ा थिक है, थिक का मतलब ये ऐसा है, अंदर इसके मटेरियल भरा हुआ है कुछ ऐसे, ये मटेरियल है, तो इस जगह पे मटेरियल भरा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है, या अगर आपसे ये पूछूं कि क्या आप इसकी थिकनेस निकाल सकते हो, तो थिकनेस निकालने के लिए आप इसका पहले आउटर रेडियस निकालो, फिर आप इनर रेडियस निकालो, फिर दोनों को माइनस करो, तो माइनस करके थिकनेस आ जाएगी, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अगर मैं डायमीटर में से, अगर मैं पूरे डायमीटर में से सिर्फ डायमीटर माइनस करता हूं, तो मेरे पास थिकनेस नहीं आती, डबल थिकनेस आती है। आप ये भी कर सकते हो, आप डायमीटर में से डायमीटर माइनस कर लो, लेकिन एंड रिजल्ट को टू से डिवाइड कर लेना, क्योंकि आपको एक तरफ से थिकनेस निकालनी है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आप आर टू में से आर वन को माइनस ही कर दो। तो इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल डायमीटर कितना गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर ये रहा, यानी कि डी टू प्लस माइनस डेल्टा डी टू की वैल्यू कितनी गिवन है 4.23 प्लस माइनस 0.01, ऐसी इंटरनल की वैल्यू क्या गिवन है, इंटरनल की वैल्यू गिवन है 3.89 प्लस माइनस 0.01, क्या स्टेप क्लियर है। पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं डायमीटर निकालने में, मैं चाहता हूं कि मैं आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दूं, तो एक काम करते हैं, मैं इसे डिवाइड बाय टू कर लेता हूं, 4.23 डिवाइडेड बाय टू प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय टू, तो मेरे पास क्या आ गया आर टू प्लस माइनस डेल्टा आर वन, मतलब मैंने इस पूरी टर्म को दो से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया मेरे पास, क्लियर है। ऐसी इस टर्म को अगर मैं टू से डिवाइड कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा 3.89 बाय टू प्लस माइनस 0.01 बाय टू, कोई डाउट इसमें, आर टू आर वन आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस आर टू में से इस आर वन को माइनस करना है, तो एक बात बताओ, दो टर्म को माइनस करना है, पहली टर्म में से दूसरी टर्म तो माइनस हो जाएगी, लेकिन एरर्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये और ये जब ऐड करेंगे तो वापस से आंसर क्या आएगा 0.01। तो ऑप्शन में ध्यान से देखें, ऑप्शन के अंदर ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, एक ही टर्म में 0.01 दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर ए ऑप्शन की तरफ जा रहा है, और आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करें आपका एग्जैक्टली यही आंसर आएगा 0.10। समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा, पहले आपको डायमीटर डी टू डी वन पता है, आप टू टू से डिवाइड कर लें तो रेडियस आ जाएगा विद एरर, फिर दोनों रेडियस को माइनस कर दें आंसर आ जाएगा, और माइनस करने में एरर आपस में ऐड हो जाएंगे आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है, और अगर ये नहीं करना तो और भी आसान तरीका है, आप उठा के एक सिंपल काम करें, आप इसमें इस डायमीटर में से इस डायमीटर को माइनस ही कर दें और एंड रिजल्ट को टू से डिवाइड कर दें तो भी सही आंसर आएगा। और क्यों करना है टू से डिवाइड, क्लियर है, क्योंकि थिकनेस दो तरफ से नहीं होती, थिकनेस एक ही तरफ से होती है, मेरे ख्याल से ये भी बेटर है, डायमीटर माइनस करके डिवाइड बाई टू भी ठीक है। चलो इन एनी केस समझ में आ रहा है। फोर्थ में डाउट,
फॉर्मूला गिवन था, फोर्थ का क्लियर है, हो गया कितनों का हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डाउट, फिफ्थ में जो हम वैल्यू जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो करेक्ट वैल्यू होती है। तो देखो इधर, करेक्ट वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके इसके डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। वैसे भी किन्हीं भी टर्म के डिफरेंस को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब एब्सोल्यूट एरर है, बात ही खत्म, और कोई एरर है ही नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? सिक्स्थ में डाउट, ध्यान से देखना, ऐसे एक्सपोनेंट का रूल है, जहां पावर है वहां एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट है, लगाना जरा एक्सपोनेंट का रूल क्या है यहां पे, डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस एम इंटू डेल्टा वाई बाय वाई। उसने बड़ी चलाकी से इस क्यू को राइट शिफ्ट कर दिया यहां पे, और आगे क्या लगा दिया, प्लस माइनस आंसर ये रहा, क्योंकि एरर तो प्लस माइनस हो ही सकता है, तो आंसर आ गया डेल्टा क्यू। तो एक्सपोनेंट का रूल से आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें? तो कुछ भी नहीं किया, एक्सपोनेंट का रूल लगाया, क्यू को राइट पे ले गया और एंड में प्लस माइनस लगा दिया। तो देखो चेक करो, यही आंसर आ रहा है, देख ही रहे यहां से, डेल्टा क्यू बाई क्यू एन इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स एम इंटू डेल्टा वाई बाय वाई। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, यही रूल है। अगर फिजिकल क्वांटिटी एक्स है तो एक काम करें, इसको लिखें एल क्यूब एम टी स्क्वायर, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लें। अब करें डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू डेल्टा एल बाय थ्री इंटू डेल्टा एल बाय एल, ठीक, थ्री इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एम बाय एम प्लस टू इंटू डेल्टा टी बाय टी, हंड्रेड से मल्टीप्लाई, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, थ्री इंटू परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस वन इंटू परसेंटेज एरर ऑफ एम प्लस टू इंटू परसेंटेज एरर ऑफ टी को मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर मार्क कर दें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस शीट के बाद शीट नंबर थ्री है, कितनों ने ट्राई की, ट्राई की, फर्स्ट क्वेश्चन तुमने किया भी था वैसे, कितनों को डाउट है याद है, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी रिकॉर्डिंग में आएगा, तो याद है स्क्वेयरिंग करके जी का एरर निकालते थे, तो डाउट है पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेसी रेजोल्यूशन लास्ट टाइम करवाया था, ये आपकी शीट का ही तो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने किया था। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, इसका आंसर शायद 7% आ रहा है, 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट, एक्सपोनेंट कुछ समझ में ना आए, बंदा परेशान हो जाए, एक्सपोनेंट को याद कर ले, कुछ भी हो बस एक्सपोनेंट कभी फेल नहीं होगा। देखो डेल्टा एक्स बाय एक्स एन इंटू डेल्टा ए बाई, देखो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज एन इंटू डेल्टा ए बाई, और आगे प्लस माइनस है, लॉग में हो नहीं सकता, पावर रह नहीं सकती, तो एन तो बाहर आएगा ही आएगा आंसर। ठीक, सेवन्थ में डाउट, एट्थ में डाउट, नाइन्थ में डाउट, डाउट ही डिसिपेट, देखो वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर हीट डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम। तो ये परसेंटेज एरर किसका गिवन है, रेजिस्टेंस का, है ना, रेजिस्टेंस का, ये परसेंटेज एरर किसका गिवन है, करंट का, और ये किसका गिवन है, टाइम का। ठीक हो गया, तो सीधा एक्सपोनेंट रूल, डेल्टा एच बाई एच टू इंटू डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी, कुछ नहीं करना, I square 2 into percentage error of I is 2, 2 into 2, 4, plus 1 into, कितना 1%, plus 1 into 1% answer, बस सीधा पावर से percentage error को multiply करते रहो, आंसर आ जाएगा। किया था, शॉर्टकट हम नहीं है, ये लो और एक्चुअल करके दिखा देता हूँ, H is equal to I square RT, delta H by H, 2 into delta I, by I, डेल्टा R by R, डेल्टा T by T, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर R का, I का पता है, R का पता है और T का पता है, सॉल्व करके परसेंटेज आ जाएगी।
कोई डाउट इसमें?